हाय सो एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो मैं बस एक जी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा जो ये है एंड वो फर्स्ट और पॉसिबली द लास्ट जी वीडियो होगी इस चैनल पे। ऑल्सो अगर तुम एक जेई एस्पिरेंट हो या कोई भी एस्पिरेंट हो तो जो छोड़ दो यार यूट्यूब देखना, जाओ पढ़ाई करो। आई नो दिस एलिमिनेट्स 95% ऑफ माई ऑडियंस बट स्टिल यूट्यूब जस्ट काम का यूज करो जितना काम। ऑल्सो मेरे पिछले दोनों वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कौन से बुक्स किए, कोई जेई के टिप्स दे दो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मुझे लगा चलो एक वीडियो ही बना देते। ऑल्सो ये वीडियो बहुत लंबी होगी तो टाइम स्टैम्प्स दे रखे होंगे, तुम तुम्हारे हिसाब से स्किप कर सकते हो। हाँ सो दिस इज माई जेई जर्नी। ओके अब आई डोंट नो तुम इसमें क्या एक्सपेक्ट करते हो बट काफी नॉर्मल जर्नी थी। भाई 10th तक तो मैं मेरे लोकल कोचिंग में था होम टाउन के और 11th तक कोटा चले गया था। हाँ मेरा 9th-10th में IIT JEE फाउंडेशन था और उसका मुझे काफी बेनिफिट भी हुआ बट ऐसा कुछ हुआ नहीं कि एकदम ही कुछ नया सीखा दिया हो क्योंकि 11th-10th में वो फिर से पढ़ाया गया। लेकिन मैं स्कूल के टाइम से काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देकर आता था, लाइक 6th में मैंने होमी बाबा दी थी, 7th में विजडम, 8th में स्कॉलरशिप, 9th में अगेन होमी बाबा, 10th में NTSC और पांचों के पांचों मैंने फेल कर दिए थे। हाँ मैंने फेल जरूर किए थे सब, लेकिन उन सबसे मुझे सीखने काफी मिला कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कैसे दिए जाते हैं। फिर 11th से कोटा जाना था लेकिन कोरोना कारण वो ऑफलाइन ही चले गया। लाइक मुझे अभी भी याद है 23rd मार्च को मेरा 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का पेपर था एंड 30th मार्च को मेरी कोटा जाने की ट्रेन थी एंड देन 22nd को सडनली नोटिस आ जाता है कि 15 दिन के लिए लॉकडाउन लग चुका है और उसके आगे पता ही ये लॉकडाउन कितने दिन चला। क्योंकि वो 10 बोर्ड्स मुझे 10th में 88% थे और 12th में 91%। आई डोंट थिंक ये ज्यादा मैटर करते बट मैंने सुना है हायर स्टडीज के लिए यूज होते तो देख लेना एक बार। व्हाट आई थिंक इस 10th तक तुम्हें लॉन्ग स्टडी आवर्स की हैबिट लगना जरूरी है क्योंकि 11th में तुम डायरेक्ट 8-10 घंटा पढ़ना स्टार्ट करो ऐसे तो कुछ होगा नहीं। तो 10th खत्म होने के बाद 11th तो पूरी ऑनलाइन ही गई जो मेरे लिए काफी सही ही गई है। तुम मुझे कह रहे दिन भर घर पे बैठे रहना है इसी चेयर पे बिना बाहर जाए, यस पूरी 11th तो मैंने यही निकाली और दिन भर में बस लेक्चर्स और होमवर्क करता था और टेस्ट के पहले रिवीजन। पूरी 11th मेरी ऐसी ही कटी है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया, कुछ ब्लैक मैजिक नहीं, कुछ सिगरेट वेपन नहीं और 12th में भी पूरा मोस्टली यही किया है मैंने, जस्ट होमवर्क करना, लेक्चर्स देखना और टेस्ट के पहले रिविजन्स कर लेना। रिविजन्स का मतलब संडे टू संडे हर वीक का करता ही था। लेकिन फिर साल खत्म होते होते मेरा मन भर गया था और तभी 12th ऑफलाइन स्टार्ट होने का नोटिस लग गया था तो मैं चले गया कोटा। 12th स्टार्ट और एंड तो कोटा में हुई थी बट बीच में फिर से लॉकडाउन लग गया था और मुझे 12th के बोर्ड्स के लिए भी वापस घर आना। पूरी 12th भी बस सुबह लेक्चर्स करने जाता था, घर आने पे होमवर्क करता था और टेस्ट के पहले रिवीजन। ऐसे ही मेरे 2 साल कटे। होमवर्क हमें मोस्टली तो कोचिंग मटेरियल से ही आता था, कभी कभी HCV से भी आता था और NCERT से भी आता था। HCV और NCERT के सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ही थे, सारे नहीं थे। बेसिकली जो जो मेरे सर कहते गए मैं वो करता गया और मेरा रैंक आ गया। कुछ बड़ी सीक्रेट की बात नहीं है। एक और बात अबाउट बैचेस, मुझे तो नहीं लगता ज्यादा कोई फर्क पड़ता। एज लॉन्ग एज तुम इनफ डेडिकेटेड और फोकस्ड हो तो तुम आराम से कुछ भी क्लियर कर सकते हो। मुझे पता है सबने कोटा फैक्ट्री देखी है बट कोटा फैक्ट्री एक वेब सीरीज है, डॉक्यूमेंट्री नहीं। मैं खुद कोई स्टार बैच वगैरह में नहीं था, मतलब मेरी खुद की बैच का नाम EG14 था, मतलब EG1 EG2 .. EG14। लेकिन मुझे ऐसे तो कुछ लगा नहीं कि मेरी नीचे की बैच थी या मेरे बैच को कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते। प्लस मेरे सारे सर लोग तो बेस्ट ही देते थे अपना पढ़ाने पे, ऐसे नहीं कि नीचे की बैच है तो फिर कम पढ़ाएंगे या ऐसे कुछ। मतलब मैं EG14 से ही पढ़ के मेरा इतना रैंक आ चुका है तो इट डजंट मैटर, पर्सनली इट डजंट मैटर। लेकिन हाँ ये ट्रू है कि तुम्हारी आगे कोई पर्सनल केयर नहीं लेने वाला, तुम्हें खुद से होमवर्क रिवीजन सब तुम्हें खुद से करना पड़ेगा और सर लोग तुम्हें बस गाइड करेंगे एज लॉन्ग एज तुम पूछने को तैयार हो। कोटा का यही सिस्टम है, अच्छा या बुरा ये तुम्हारे हिसाब से देख लो बट ये एक पॉइंट है। ऑल्सो कोटा में बहुत डिस्ट्रेक्शन है, बहुत स्पेशली इन एलन, एलन है तो मुमकिन है राइट। और इसके अलावा भी लिटरली हर जगह तुम जाओगे तुम्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा टाइम वेस्ट करने के लिए जहाँ तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो सके। सो इन द एंड तुम्हारे खुद के मोटिवेशन पे ही बात आती है कि तुम्हें पढ़ना है या नहीं। मैं खुद को ऐसे कन्विंस करता था कि बस एक बार का 2 साल पढ़ के निकल जाते हैं इस जगह से, फिर IIT में जाके मौज ही करनी है, होपफुली IIT में जाके मौज हो पाए। ओके सो टॉकिंग अबाउट द बुक, मैंने 90% ऑफ द टाइम बस एलन का कोचिंग मटेरियल यूज किया है। ऑल्सो ये बोलने कि मुझे कुछ पैसे नहीं मिले जो मैंने किया मैं बस वो बता रहा हूँ, एलन वालों को तो पता भी नहीं होगा मैं एग्जिस्ट करता। लाइक एक कांग्रेचुलेशंस कर देते यार। मैं वही बुक्स बार बार सॉल्व करता था, कोई चैप्टर वीक लगे तो उसकी एक्सरसाइज फिर से लगा देता था और मैं इसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करूंगा कि कोई भी नेशनल लेवल की कोचिंग जो अंडर 500 या अंडर 1000 रैंक प्रोड्यूस कर पा रही है उसका कोचिंग मटेरियल अच्छा ही है। डजंट मैटर कि तुम कहां से हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं 10 बुक्स में से 10 एक्सरसाइज करने की अच्छा रैंक लाने के लिए। जैसे मेरे फिजिक्स के सर कहा करते थे, आई फियर नॉट द मैन, पढ़ लो खुद से।
और एलन के मटेरियल के साथ साथ मेरे खुद के हैंड रिटन नोट। मेरे ओपिनियन में अपने हाथों से नोट्स बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नोट्स को लिखना, पढ़ना, बार बार रिवाइज करना, इतने बार रिवाइज कर देना कि ये याद हो जाए कौन सा टॉपिक पेज के कौन से कोने में। और मुझे नहीं लगता पीडीएफ से करना इतना हैंडी होगा। मैंने खुद के नोट्स तो रद्दी में भेज दिया क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है। मैंने जिसको भी बुक दी उसने मुझे वापस ला के दे दी कि उसे कुछ समझ नहीं आई है। ओके, एज ए 90% ऑफ द टाइम मैं एलन की मटेरियल करता था। इसके अलावा जब मेरा 12th में ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया था, वो ऑफलाइन टू ऑनलाइन जाने में मेरा कुछ इतना लिंक नहीं हुआ एंड मेरा फिजिक्स के बहुत सारे बैकलॉग रह गए थे। पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मेरा छूट गया था। तो जब 4 महीने बाद फिर से ऑफलाइन स्टार्ट हुआ तो फिजिक्स के जो क्लासेस चल रहे थे मैं वही अटेंड करता था, उनका होमवर्क पहले प्रायोरिटी में करता था एंड जब टाइम बचा होता तो मैं सेंगेज के बुक्स में से खुद से सेल्फ स्टडी करके वो मेरा बैकलॉग क्लियर कर देता था। सेंगेज की थ्योरी तो मुझे पर्सनली इजी टू अंडरस्टैंड लगी। मैं रिकमेंड भी करूंगा, अगर तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। मैंने क्वेश्चंस कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं किए तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं। सेंगेज का फिजिक्स का पूरा सेट तो था मेरे पास बट मैंने उसमें से बस एक किताब के बस ये 3-4 चैप्टर्स पढ़े थे। वो पूरा सेट भी मैंने तब लिया था जब नया नया कोटा में आया था, एकदम जोर जोर में आके मैंने वो बुक्स खरीद लिए। और एक साल बाद जहां से मैंने वो सेकंड हैंड बुक्स लिए थे वहां थर्ड हैंड बेच दिए। और एक्स्ट्रा बुक्स में मैंने ये की थी 700+ इलस्ट्रेशन फिजिक्स फॉर जी एडवांस बाशी रोरासन। अच्छी बुक है काफी, कोटा में बहुत आई थी इसका। मैंने इसमें से बस बड़े बड़े चैप्टर्स किए थे जैसे रोटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह। और एक्स्ट्रा बुक में तो प्रीवियस क्वेश्चन की बुक ली थी जो 11th में तो कुछ काम नहीं, जब जी 5-6 महीने में हो तब उसे करना सॉल्व कर देना चाहिए। और लास्टली तो एनसीईआरटी, आईओसी तो एनसीईआरटी से ही करना होता है। ओसी की रिविजन करने के लिए तो एनसीईआरटी अच्छी है लेकिन फर्स्ट टाइम रीड के लिए वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑल्सो मैं यूट्यूब पे भी काफी पढ़ाई का देखता था, मोस्टली तो रिविजन वीडियोस ही देखता था या कोई वन शॉट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यूट्यूब पे चैनल्स लाइक मैथम गो, फिजिक्स बाय विनय उपल, एडोनिटी, अपनी कक्षा, फिजिक्स गैलेक्सी एंड द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो जस्ट किडिंग। लेकिन हाँ, अनअकैडमी या फिजिक्स वाला मैं दोनों भी वीडियोस देखता था रिवीजन के लिए। और कोई सर बड़ा हो या छोटा इससे कोई मतलब नहीं है इसका। जहां से तुम्हें समझ आ रहा है वहां से पढ़ लो, ये बेटर है वो बेटर है, ये करने में कोई सेंस नहीं है। ओके, सो फर्स्ट टिप, यूट्यूब पे टिप्स रखना बंद करो। कोई ऐसी एक टिप नहीं है जो तुम्हें होल्ड बैक करके रखनी है कोई भी एग्जाम क्लियर करने से, तुम्हें बस रोज डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है। ऑल्सो ये चीज की कोई गारंटी नहीं कि जो चीज मुझे हेल्प की वो तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल हो। सबकी अलग थिंकिंग होती है, सबका अलग पेस होता है, सो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो करो। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट रैंक के लिए काम करेगा वही मेरे लिए काम करेगा या वही तुम्हारे लिए काम करेगा या वही सबके लिए काम करेगा। इसी टॉपिक पे यू कैन चेक आउट दिस वीडियो बाय सांगोकुन, उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड मैंने जब जेई के टाइम पे देखा था मुझे भी काफी हेल्प हुई। और बाकी छोटे मोटे टिप्स की बात करें तो फिजिक्स के फॉर्मूले नहीं रटते लोग, ऐसा बिल्कुल मत करना। चुपचाप फॉर्मुलेस रट लो, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और आईओसी, ओसी और इन जनरल सारे रटने वाली चीजों को मैं रात में सोने से पहले पढ़ लेता था और वो पढ़ पढ़ के मुझे याद हो गए थे। और मेरा कुछ फिक्स टाइम टेबल नहीं था, सबसे पहले मैं होमवर्क कर लेता था ऐसे टारगेट सेट करके कि इतने इतने क्वेश्चंस करना या इतना रिवाइज करने के बाद ही ब्रेक लेना। और संडे आने पे पूरे वीक का रिविजन करता था और टेस्ट के पहले एक बार रिविजन करता था। ऑल्सो बहुत सारे लोग बैकलॉग के बारे में पूछ रहे थे तो मैं ये बोलूंगा जो चले गया सो चले गया, अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो उसे अच्छे से करो और फिर दिन के एंड में या संडेज में जो पीछे का है उससे थोड़ा थोड़ा करते आ सकते हैं। लेकिन अभी जो चल रहा है उससे भी मत जाओ क्योंकि फिर वो तुम्हारा बैकलॉग पाइल अप होते जाएगा। ऑल्सो फाइनली ये कि तुम्हें 2 साल की बड़ी मैराथन दौड़नी है, ऐसा नहीं होगा कि 1-2 दिन स्प्रिंट कर लिया कि बाकी दिन रेस्ट करना होगा, तुम्हें 2 साल कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डालने होंगे। ऑल्सो एक फनी चीज, मेरे 11th का दोस्त, मेरा बैचमेट, वो मुझसे टिप्स मांगा करता था कि कैसे पढ़ाई करना है क्योंकि मेरा टॉप रैंक रहता था बैच में, बंदे ने यार 800 ला लिया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर 11th तुम्हारी ठीक ठाक गई तो 12th में कुछ नहीं हो सकता। अगर 12th में तुम कंसिस्टेंटली पढ़ते रहे तो अच्छा रैंक तुम्हें मिल सकता है ऑब्वियसली। अच्छा, तो ये वीडियो बहुत लेट हो गई है, बहुत लेट, आज 23rd है और मैं परसों निकल रहा रुड़की के लिए। 27th को फिजिकल रिपोर्टिंग है और 29th को ओरिएंटेशन, जिसका व्लॉग मैं पक्का डालूंगा इस चैनल पे। ओके, पक्का पक्का प्रॉमिस। और अभी मैं एक रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ, यहाँ पढ़ूंगा यहाँ आंसर दूंगा और मोस्ट ऑफ द आंसर्स मैंने पहले ही वीडियो में दे दिए होंगे। सो मूविंग ऑन, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया और क्या मार्क्स आए थे। 10-11 जाते समय एकदम से पढ़ने का रिक्वायरमेंट बढ़ गया था और इतना कैचअप नहीं कर पा रहा था कि एकदम से पढ़ने का आदत नहीं आता है तो उसे प्रैक्टिस से ही आना पड़ेगा। और मुझे 45-50% आ जाते थे एडवांस के पेपर में एलएन के मार्क्स में। मेरा रैंक 300-400 रहता था लेकिन मुझे लगता वो फेक है क्योंकि बहुत सारे लोग चीटिंग करके आगे जाते थे और 300-400 उधर रहते तो मेरा एआई दिखता नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू डू व्हेन यू गेट स्टक ओवर अ क्वेश्चन। मैक्स टू मैक्स 4-5 मिनट दे दिया करो, नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देखो और तुम्हारा स्टडी सेशन होने के बाद फिर से एक बार वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। हाउ यू डील विद मैथ्स, जस्ट प्रैक्टिस और कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहो। डू यू मेक शॉर्ट नोट्स, यस मैंने बनाए थे, तुम भी बनाना और ऐसे बनाना कि वो कम से कम पेजेस में फिट हो जाए ताकि तुम खुद की माइंड को ट्रिक कर पाओ कि चल यार 2 मिनट का पढ़ना है फिर पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता। What inspired to prepare for JEE? How was your experience at a coaching? मुझे मैथ से प्यार था, मुझे बायो बिल्कुल नहीं पसंद थी तो इंजीनियरिंग, इवन तो मेरे पेरेंट्स दोनों डेंटिस्ट हैं, मुझे स्टिल बायो नहीं पसंद। कोचिंग में एक्सपीरियंस अच्छा ही था, एज ऐसे डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे बट अगर तुम उनको ओवरकम कर लो तो अच्छा ही होगा। टेल अस एक्यूरेट मजबूत थिंग्स ऑफ फिजिक्स में, पढ़ाई पढ़ाई कर लो और कुछ नहीं है।
कोई अगर कोई एक ऐसी चीज हो ही नहीं सकती, हाउ नॉट टू स्टडी जेई एंड ड्रॉप ईयर, क्या पता यार मैं कभी ड्रॉप ईयर लिया ही नहीं यही बोलूंगा 10 किताबें मत करने लग जाना। व्हाट इज योर बिगेस्ट कंसर्न इन लाइफ राइट नाउ? भाई मैं 18 का हूं, लाइफ है ही नहीं कंसर्न होने के लिए, दाढ़ी नहीं आ रही है, दैट्स माय बिगेस्ट कंसर्न इन लाइफ। हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी पर डे फॉर द होल ऑफ 2 इयर्स? 8 to 12, जब जेई पास आ रही थी तब 10-12, और जब स्टार्ट में 8 से 10। योर व्यूज ऑन फिजिक्स वाला वीडियोस पे व्यूज अच्छे आ जाते हैं, मुझे तो कम्प्लीट ही लगा उनका, सारा सिलेबस अच्छे से कर ही लेते। मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत हो रही हो या कुछ रिविजन करना हो तो मैं उनके वीडियोस देख लेता था। क्या आपने इंटरनेट से संन्यास लिया था? पूरा तो नहीं लिया था, मोस्टली सोशल मीडिया तो चलाता ही नहीं था, लेकिन एंड में इंडिविजुअल की बात आती है कि फन पढ़ाई में कैसे बैलेंस करना है। मैं तो जेई के 1 महीने पहले मूवी देखने गया था, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस थिएटर था, लेकिन अगेन जो मेरे लिए काम करे वो तुम्हारे लिए काम करे ऐसा नहीं है। तो मोस्टली मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर दे ही दिया है, होपफुली तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया हो। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पैकिंग, स्टे ट्यून फॉर द रुड़की वीडियोस, और दिस वाज द मोस्ट बोरिंग येट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन दिस चैनल। एनीवे बाय।